मेरी एक और लास्ट स्पेशल रिक्वेस्ट है और मेरी एक इतना सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसों के बारे में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एल्फिस यादव और लक्ष्य चौधरी कुछ देर चिल्ला रहे हैं। गौरव ने एक इंटरव्यू में 20 लाख रुपए कबूल हैं, तो कहाँ है वो पैसे, कहाँ गए? लेकिन इसने यूट्यूबर्स के सामने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में 20 लाख रुपए कबूल है। भाई जरा हम भी तो देखिए वो वीडियो कौन सा है। इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है और उसके बाद हमारे पास भी इनके कुछ फंड हैं जिसमें जॉइंट अकाउंट खुलवाऊंगा माता जी का और बाबा का और इनकी एफडी करा के। मतलब साफ साफ बोल रहा है कि 20 लाख रुपए बाबा के अकाउंट में आया है। भाई मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, कोई इतना बड़ा यूट्यूबर होके सुनने में इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है? ये तो कोई छोटा बच्चा भी सुन के बता देगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अभी क्या हो रहा है? ओ भाई भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा किसी भी एग्जाम ला करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि दिमाग नहीं है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं जिनके कारण ये सब हो रहा है। बाबा का ढाबा। खैर तो हम बाबा के बारे में बात करेंगे। तो एक महीना पहले जब स्वाद ऑफिशियल भाई बाबा के पास गए थे तो बाबा बहुत दुखी थे, वो रो रहे थे, उनको हेल्प की जरूरत थी और स्वाद ऑफिशियल भाई उनको थोड़ी सी हेल्प भी किए थे उस टाइम। लेकिन कुछ ही दिन बाद बाबा जब फेमस हो गया तब अचानक एकदम से सब कुछ बदल। बाबा ये बोल रहे हैं कि हमने हेल्प मांगी ही कब। और तो और बाबा के अंदर एटीट्यूड भी आ गया। सर 2 मिनट आपके लेना चाहेंगे, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो मामला है आपने गौरव वसल के ऊपर अब केस कराया है और अभी आप पुलिस स्टेशन में थे, क्या बात हुई आपके अंदर? हमने जो उनको करवा दिया है, हैं, अब वही जो करेंगे वही करेंगे। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस चैनल पे अब ऐसे ही और वीडियो आते रहेंगे।